अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ये इंजीनियर नुमान भाई हैं और यहाँ पे शिखर जो है वो उसके आगे जो है वो दादू के इलाके में हम सीता में मौजूद हैं। तो भाई आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे जो है वो राशन किन लोगों को तकसीम कर रहे हैं और यहाँ की सूरत हाल क्या है। यहाँ से आते हुए नेहड़ और केनसर के दरमियान जितना भी इलाका है वो सारा फ्लडेड एरिया है। तो उस उन इलाकों से आए हुए अफराद के दरमियान मच्छरदानी है, राशन है और इसी के साथ हमारे पास बिस्तर है और साथ में बर्तन है। बर्तन तकसीम किए जा रहे हैं और साथ में कुछ फी खानदान 5,000 रुपये नकदी भी दी जाएगी इंशाल्लाह। सीता रोड का इलाका है, प्यारो रोड पुलजी सीता रोड। ये जो पैरेलल रोड एक लिंक रोड है जो मेहड़ और केनशाह के खैरपुर नाथन शाह वाला इलाका बंद होने पर मेहड़ से दादू की तरफ रास्ता जाता है। आज हम वहाँ मौजूद हैं। नुमान भाई बताएं कि ये जो सीता है इसके गिर्द नुमा के जो इलाके हैं उसकी सूरत हाल क्या है। पानी है तकरीबन सब हर तरफ ही पानी है। सीता भी एक ये कह लेंगे जो राइट साइड है सीता की वो तो सारे का सारा सैलाब ज्यादा इलाका है। पानी की रेप्थ कितनी है, हाइट कितनी है? होगी कोई 8 से 10 फीट पानी है अभी। तो आप काफ़ी दिनों से यहाँ पे सर्वे भी कर रहे हैं और लोगों तक राशन की तकसीम कर रहे हैं, उस तक लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं, तो कोई और यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से या कोई और NGO की तरफ से कोई यहाँ पे आपको नजर आया? काफ़ी लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो काम करते हैं चले जाते हैं, काम करते हैं चले जाते हैं। बहुत खैर का काम करने वाले लोग मौजूद हैं लेकिन इलाका बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं सारे काम से। जितना भी काम किया जाए उतना ही कम है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन तसलसल के साथ जितनी भी कोशिश की जाए वो कम है। क्योंकि टोटल जो इस इलाके में तकरीबन लोग ये कह लें कि मुतासर हुए हैं, पूरे शहर मुतासर हो चुके हैं। हम आते हैं थोड़ा सा काम करते हैं, सभी लोग थोड़ा कर रहे हैं, तो मिलकर जितना भी काम कर लिया जाए मैं समझता हूँ कि वो कम होगा। नहीं तो आप यहाँ पे लोगों को बुला लेते हैं ऐसे गांव में जाकर कि आप इधर आ जाएं, यहाँ पे तो प्रॉपर कोई टोकन सिस्टम है या सर्वे करते हैं आप? सर्वे करते हैं गांव में जाकर भी दे रहे हैं। अभी जहाँ हम देख रहे हैं गुल मोहम्मद चांदियों का गोट था, वो ककड़ से आगे एक गाँव यूसी ककड़ है, खैरपुर नाथन शाह की यूसी है, वहाँ से आगे गाँव में गए। 40-45 मिनट का हमने कश्ती में सफ़र किया, उनके गाँव में जाकर वहाँ सर्वे किया हुआ था, वहाँ हमने राशन और बर्तन बिस्तर वगैरह दिए। इसी तरीके से यहाँ भी उन फ्लडेड एरियाज़ में सर्वे करके उन्हें टोकन दिया गया, यहाँ बुलाया गया, अभी इन्हें देंगे इंशाल्लाह यहाँ से, साथ में इन्हें नकदी भी देंगे 5,000 रुपये। तो आप यहाँ के लोगों को जानते हैं, तरीका मौज जो है वो रहन सहन जो भी उसको जानते हैं, तो आप कौन सी चीज़ें ज़रूरी समझते हैं यहाँ के लोगों के लिए कि जो जो है ना फ्रंट लाइन पर वो अरेंजमेंट उनका होना चाहिए? अभी तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो तरीका रहन सहन तो अपनी जगह पर है। पानी के मुसलसल खड़े होने की वजह से मेडिसन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बीमारी बहुत आम होती चली जा रही है। और जरिया ये कह लेंगे माश नहीं है तो खाने पीने की खुर्द और नोश की अशिया जो है उनकी बहुत ज़्यादा किल्लत है। मच्छरदानी बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है, फिलहाल मच्छर बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मेडिसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस सियालकोट का शुक्रिया था, सियालकोट का शुक्रिया तमाम भाइयों का, बड़ी मोहब्बत के साथ आए, बड़ी दूर से सफ़र कर आए, अल्लाह इन तमाम भाइयों की मेहनतों को कबूल करे।